रेस्त्री की टीम अपनी मेगा बजट स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर फिल्म के प्रमोशन में लगी हुई है। फिल्म के रिलीज से पहले ही फिल्म सुर्खियां बटोर रही है और फिल्म को लेकर स्टार कास्ट भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है। हर बार की तरह सलमान खान की फिल्म ईद पर रिलीज होगी और वो दर्शकों को फिल्म के रिलीज़ होने का बेसब्री से इंतज़ार है। लेकिन अब देखना ये है कि फिल्म सलमान खान की इससे पहले रिलीज हुई टाइगर जिंदा है का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं। हम सब जानते हैं सलमान खान एक स्टार पावर और फिल्म की पिछली दो पार्ट्स को हिट कराने की वजह से रेस्त्री बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो सकती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह टाइगर जिंदा है का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पीछे छोड़ने में कामयाब रहेगी। टाइगर जिंदा है ने बॉक्स ऑफिस पर 349 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 22 दिसंबर को रिलीज हुई जासूसी थ्रिलर ने बॉक्स ऑफिस पर क्रिसमस और नए साल की वजह से बॉक्स ऑफिस पर धड़ल्ले से कलेक्शन किया। दूसरी तरफ रेस 3 में 2 सप्ताह यानी 14 दिन ही मिलेंगे, लेकिन टाइगर जिंदा है जैसे बड़े दिन नहीं होंगे। वहीं हालांकि फिल्म को 3D में रिलीज होने का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा क्योंकि 3D टिकटें की कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसलिए फिल्म के कलेक्शन को बढ़ाने की उम्मीद बताई जा रही है। दूसरी बात जिसे ध्यान में रखा जा सकता है कि फिल्म अपने दूसरे सप्ताह में अच्छी तरह से आयोजित करेगी या नहीं। यदि रेस 3 को टाइगर जिंदा है को पछाड़ना है तो उसे टिकट खिड़कियों पर लगातार अच्छा कलेक्शन करना होगा और बॉक्स ऑफिस पर संजू के रिलीज होने के बाद भी अच्छे से बिजनेस करना होगा। सलमान खान की फिल्म रेस दुनिया भर में 3D और 2D फॉर्मेट में रिलीज होगी, इस वजह से यह दर्शकों के लिए एक अलग अनुभव होने वाला है। लेकिन फिल्म के रिलीज से पहले ही सलमान को कुछ निराशा का सामना करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के उद्देश्य से ईद के मौके पर किसी भी भारतीय फिल्म को रिलीज पर बैन लगा दिया था। लेकिन अब अगर खबरें देखी जाएं तो आ रही हैं कि पाकिस्तान में भी ये ईद के मौके पर ही रिलीज हो सकती है, तो देखना दिलचस्प रहने वाला है कि सलमान खान की मूवी कितना कलेक्शन करती है ईद के मौके पर। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो और जुड़े रहें हमारे साथ क्योंकि मिलेगी आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।